और विधानसभा कार्यालय में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आवासीय परियोजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की योजना है कि हर व्यक्ति का अपना घर हो और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें शुरू कर दिया गया है। साथ ही कहा कि योजना के लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिले इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आवंटन के बाद बहुत जल्द ही लाभार्थियों को सरकार उनके घर की चाबी सौंपेगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आवास विकास विभाग के माध्यम से 20 योजनाओं में काम चल रहा था। 15 योजनाओं के लिए पहले मैं इस प्रकार के प्रपत्र जारी कर चुका हूँ। आज 5 योजनाओं में हम लोगों ने, जिसमें मंगलौर रोड की आवासीय परियोजना हरिद्वार में है 542, उधमपुर रामनगर आवासीय योजना नैनीताल में 390, महुआ खेड़ा गंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 98, अन्य की हेत ममपुर आवासीय परियोजना हरिद्वार में 845, मानपुर काशीपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 108, यानी कुल 1983 जो आवास हैं उनके लिए हम लोग उनको लाभार्थियों को प्रपत्र आज हम लोग दे रहे हैं। उसके लिए ऑनलाइन ड्रॉ यहाँ निकाला गया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले सिस्टम दूसरे प्रकार का था और सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने लॉटरी अभी यहाँ पे उनके लोगों की निकाली है, जिसमें जो हमारी दिव्यांग लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले तल पे हम लोग अलॉट करेंगे और उसके बाद शेष लोगों को उसी प्रकार का आवंटन हम लोग देंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी योजनाएं बहुत पहले से लंबी थी, अब उन योजनाओं पे काम लगभग उस पे चल रहा है। कुछ का काम बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि लाभार्थियों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के लिए छत उसकी होनी चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं।